नमस्कार, बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मुगे। बियॉन्ड अबेकस में हम आपके लिए बहुत सारी सीरीज और वीडियो लेके आए हैं, जो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। एक सीरीज है MCC मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स। इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग, इनके हम शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं, जो कि इनके कोर कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे और बहुत आसान हिंदी भाषा में आपको इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी एक सीरीज है SST, सपोर्ट सिस्टम टूल्स या सपोर्ट सिस्टम टॉपिक्स। इसमें आपको ऐसे सारे साइकोलॉजी से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड और स्टडी हैबिट से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, जो कि आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं या आपके पढ़ाने को सपोर्ट करते हैं या आपके पढ़ने पढ़ाने की प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। एक और प्लेलिस्ट है GIM, गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स। इसकी वीडियो जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ने में क्यों डिफ़िकल्टी आती है और अधिकतर डिफ़िकल्टी कैसे आती है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। वो आपको अपने अनुभव भी याद आएंगे एज ए पेरेंट या एज ए टीचर, अगर आप देख रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी समझ में आएगा कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है मैथमेटिक्स को पढ़ाना या पढ़ना, अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। उसके साथ आप देखेंगे करीब 200-250 हमने रील्स बनाई है, 30-30 सेकेंड्स की, एक मिनट की ऐसी रील्स बनाई है, जिनमें एक मैथ्स का माइक्रो कॉन्सेप्ट लिया गया है, उसको समझाया गया है। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारी वैरायटी लाई है, जो अभी तक आज डेट तक पिछले 1.5 महीने में, जो कि आपको हेल्प करेगी। बाद में हम कोर्सेज और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी लेके आने वाले हैं। और ये वीडियो सीरीज जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं, इसका नाम है हॉट्स। हॉट्स का अर्थ होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हॉट्स का क्या महत्व है और इनकी क्यों जरूरत है और नई एजुकेशन पॉलिसी में इन पर क्या कहा गया है, ये आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो लिंक पे देख सकते हैं, जो कि आपको डिटेल से हॉट्स के टॉपिक के बारे में बताएंगे। और साथ ही एक बहुत ही नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि रोजमर्रा के जीवन की एग्जांपल्स लेके नॉन टेक्निकल लैंग्वेज से कि ये सब क्या है और इनकी क्या महत्ता है, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्रिएटिव थिंकिंग टू में हमारे पास आज क्या है। क्रिएटिव थिंकिंग वन भी आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग टू में हम चर्चा ये कर रहे हैं कि क्रिएटिव क्या क्या हो सकता है। मतलब क्रिएटिव अब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरा उसमें PhD है इसी सब्जेक्ट में, क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स में। तो अब हम चर्चा करेंगे कि क्रिएटिव कौन हो सकता है। तो देखिए आप शुरू करते हैं थोड़ा। क्रिएटिव पर्सन मीन्स व्हाट? अ पर्सन कैन बी क्रिएटिव, होते ही हैं राइटर्स, ऑथर्स, तमाम स्क्रिप्ट राइटर्स, तमाम पेंटर्स, तमाम वीडियोग्राफर्स, सभी होते हैं, एडिटर्स सभी क्रिएटिव ही होते हैं, जो तभी वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी। डिजाइनर्स ये सब यूनिक से हटके काम कर, लीक से हटके काम कर पाते हैं। तो क्रिएटिव पर्सन एक तो होता है कि द पर्सन इज क्रिएटिव, एक ये होता है। दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट इज क्रिएटिव। क्रिएटिव प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो तमाम दुनिया के प्रोडक्ट आप जितने यूज करते हैं, मोबाइल से लेके उसके हेडसेट से लेके उसके वो क्या होते हैं एक्सेसरीज से लेके, जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं या और भी, इवन एक समय कह सकते हैं जब घड़ी सिंपल सी गोल वाली घड़ी भी एक क्रिएटिव आइटम था एक ज़माने में, जब लोगों के पास सूरज के अलावा कोई टाइम देखने का तरीका नहीं था कि इसकी छाँव यहाँ तक पड़ी तो इतना बच गया, वहाँ तक पड़ी तो इतना बच गया, इसके अलावा उनके पास रास्ता नहीं था, तो फिर घड़ी आई बिल्कुल सिंपल सी, फिर रिस्ट वॉच आई। तो प्रोडक्ट इज क्रिएटिव। तो पहले हमने क्या समझा कि क्रिएटिव कैन बी अ पर्सन, एक पर्सन क्रिएटिव हो सकता है और फिर एक प्रोडक्ट क्रिएटिव हो सकता है, जो कि हम देखते हैं कि सारे प्रोडक्ट जो है जो हम यूज करते हैं वो कुछ ना कुछ उसमें क्रिएटिविटी होती है। और ये भी है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी तरीके से अगर आप बदल देते हो तो इट बिकम्स अ न्यू प्रोडक्ट, यू नो लाइक जैसे हम मतलब ऐसी जोकिंग कह रहा हूँ, जैसे हम देखते हैं कोलगेट, फिर कोलगेट क्या वो पता नहीं मेरे को नाम ही नहीं आता, नमक वाला, नींबू वाला और कोयले वाला, पता नहीं क्या क्या। तो दीज आर ऑल मतलब दीज आर ऑल डिफरेंट वेज, प्रोडक्ट इज सेम बट यू आर बीइंग अ, इनको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में वेरिएंट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट। फिर क्या होता है साहब? फिर एक क्रिएटिव हो सकता है प्रोसेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक प्रोसेस डिजाइन की, जो तमाम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तमाम एल्गोरिथम, तमाम फ्लो चार्टिंग, ये जो भी है, ये जो भी आपको करा रही है, ये सब प्रोसेस है, प्रोसेस बेस्ड है। मतलब अकाउंटिंग की भी प्रोसेस आपने डिसाइड की,
आपने डिसाइड किया, मान लो जो से अपने देश में इतना बड़ा कंट्री है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, या इतना डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जिसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस कि आपने एक बटन दबाया और करोड़ों लोगों को अकाउंट में 2,000 रुपये 10,000 रुपये मिल गए, या जिसके जो भी मिलना मिल गए, या आधार कार्ड है। आधार कार्ड तो आप सोच ही नहीं सकते कि अगर आप कभी बैठ के आराम से थोड़ा टाइम निकाल के सोचिए कि आधार कार्ड की कितने एप्लीकेशन हैं और आधार कार्ड को कितने लोग एक साथ यूज़ करते हैं। और मेरी जानकारी में आज तक एक आध दो बार हैंग होने के अलावा आधार में कोई तकलीफ नहीं आती है। एक दो बार हैंग हो जाता है वो, क्योंकि आपका अंगूठा फिर से लगाइए, ये उंगली लगाइए, वो दैट इज़ ओके, वो सर्वर का इशू कुछ हो सकता है, लेकिन कितने लोग यूज़ करते हैं आधार और किस किस पर्पज से यूज़ करते हैं और साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं, उसके बाद भी उस प्रोसेस में कोई कमी नहीं आती। तो इट्स अ प्रोसेस। सो क्रिएटिविटी कैन बी अ पर्सन कैन बी क्रिएटिव, अ प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटिव, एंड अ प्रोसेस कैन बी क्रिएटिव। ये सारी चीज़ें समझना वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या हो सकता है? प्रेस। ये प्रेस मीडिया वाला प्रेस नहीं है, ये प्रेस वो पी का एनालॉजी करने के लिए, 4P की एनालॉजी करने के लिए बोला गया। प्रेस मतलब एनवायरमेंट, यहाँ पे प्रेस का तात्पर्य एनवायरमेंट के वातावरण। एनवायरमेंट के अंदर क्रिएटिव, जैसे कई सारे रहते हैं वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सुना है मैंने कि गूगल में जो भी आपका वर्किंग आवर्स है उसका 20% आप अपना प्रोडक्ट डेवलप करने में लगा सकते हैं। मैंने देखा, देखिए बात बताऊँ आपको, मेरी आंखों के सामने की बात है, शायद 2004 में जीमेल इंट्रोड्यूस हुआ था, तब मैं फर्स्ट मैंने यूज़ किया था उसको तब, तो उस समय जो गूगल का इंटरफेस होता था, तो ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ, तो ये जो गूगल का इंटरफेस होता था, कलर स्कीम वगैरह सब यही हो, गूगल वगैरह ऐसे ही लिखा था ये, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें होती थी, यहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, जीमेल, एक ईमेल होता था, एक सर्च होता था, एक ईमेल होता था, ईमेल इंट्रोड्यूस हुआ था, और एक था कुछ इमेज शेयर होता था। फिर ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देखते हैं ऐप वाला, ये तो बहुत बात, फिर बाद में यहाँ पे डब्बा आया और एक ऐप बढ़ते गए, अब तो इतने हो गए कि आपको ऐप सीखने ही अगर सोचो तो एक जिंदगी एक जन्म आपको ऐप सीखने के लिए लेना पड़ेगा, उसमें भी एडवर्ड और एडिसन पता नहीं क्या क्या। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द एंटायर एनवायरमेंट इज क्रिएटिव, आप पूरी कंपनी का एनवायरमेंट क्रिएटिव है, आपको ड्रेस पहनने की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप बच्चों को ला सकते हो, आप चाहे जब सो सकते हो, आप खेल सकते हो वहाँ पे, आप स्विमिंग कर सकते हो, इट्स एनवायरमेंट इज क्रिएटिव। तो इस तरह से पर्सन प्रोडक्ट प्रोसेस और प्रेस, ये चार तरह की क्रिएटिव एनवायरमेंट, चार तरह के तरीके हैं जिससे हम कह सकते हैं कि दिस 4 थिंग्स कैन बी क्रिएटिव। अब हम देखेंगे कि क्रिएटिविटी डेवलप कैसे करते हैं, उसके क्या क्या तरीके होते हैं। एक होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक क्लास है, ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं और यहाँ पे टीचर है, तो टीचर ने कहा कि चलो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स प्लान हाउ कैन वी हैव अ कोकरिकुलर एक्टिविटी, व्हाट कोकरिकुलर एक्टिविटी यू कैन लर्न यू लाइक एंड यू स्पीक अप। अब ये है आपका डैशबोर्ड या ब्लैकबोर्ड जो भी कहना है खेले, और टीचर ने क्या किया, यहाँ पे लिखना चालू किया, बस लिस्टिंग, दिस कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट ऑल आर स्पीकिंग कंटिन्यूअसली एंड अ पर्सन इज जस्ट राइटिंग, देयर इज नो जजमेंट, देयर इज नो ओपिनियन, देयर इज नो कमेंट, इट इज अ टाइम टू क्रिएट आइडियाज, जनरेट आइडियाज। तो इस तरह से एक ये बहुत ही ले मैन का एग्जाम्पल लिया हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग का। इसी तरह इंडस्ट्रीज में होता है कि ये प्रोडक्ट है, या मान लो एक इंडस्ट्री की हमने मीटिंग ली, एम्प्लॉय सारे एम्प्लॉयज जुड़ा है, हमने कहा कि हम अक्सर वर्क पे आने में लेट क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है, आपकी क्या वजह है, बोलो। फिर शुरू हो गए जो लोग, तो हमने फटाफट लिखना शुरू कर दिया, दिस कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये एक टेक्निक होती है क्रिएटिविटी की डेवलप करने की, या क्रिएटिव आउटपुट निकालने की, दिस कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक होती है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्रिएटिविटी डेवलप करने के बजाय, मतलब एक तरह से जैसे आप कुछ वर्क कर रहे हैं कि पहले मैं ऐसा करूंगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये इसका आउटपुट ये हो सकता है, फिर उसके बाद में इसके साथ ये प्रोसेस अलग चलेगी, ये प्रोसेस अलग चलेगी, तो आप उसको अलग ले जा रहे हो। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप माइंड मैप कर रहे हो कि कैसे ये प्रोसेस डेवलप कैसे होगी आपके, कि कौन कौन क्या करेगा, फिर उसके बाद में आपने इसको बोला कि इसको सपोज 1 मंथ लगता है, इसको 1 मंथ लगता है, इसको 8 डेज लगते हैं, इसको 2 मंथ्स लगते हैं,
और उसके बाद में उसी पैरल ये प्रोसेस भी चल रही है। सो दिस इज माइंड मैपिंग। तो माइंड मैप ऐसे फ्री में भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है विच आर गिविंग विच विल हेल्प यू टू डेवलप माइंड। माइंड मैप गूगल में भी अवेलेबल है और वैसे भी इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है जिनके फ्री वर्जन में भी आप काफ़ी कुछ माइंड मैप का काम कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड माइंड मैपिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग ये तो है ही। डाइवर्जेंट थिंकिंग जैसे मैंने पहले भी कहा था, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब ये होता है जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि आपके पास 30 स्टूडेंट की क्लास है, ओके, एंड यू आर द पीटी टीचर, और ये आपकी टेबल है टीचर जहाँ पे खड़े होकर आप एक्सरसाइज करा रहे हैं, और ये आपके सामने स्टूडेंट खड़े हुए हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट आपके सामने खड़े हुए हैं, तो आप इन 30 स्टूडेंट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? एक 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 30 ऐसे कर लो, मतलब इसको अपन बोलेंगे 30 into 1, 30 रोज 1 कॉलम, एक कॉलम ऐसे ऐसे कर लो, जैसे 30 स्टूडेंट कर लो ऐसे कर लो, फिर उसके बाद में आप दो दो की 15 रो कर लो, फिर 15 की दो रो कर लो, दो कॉलम कर, तो इस तरह से आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी डेवलप हो रही है। तो यू आर थिंकिंग ऑफ मोर देन, मैंने उसके लिए बहुत अच्छा वर्ड कॉइन किया विच इज माई ओन वर्ड, लेट मी टेल यू। पीएचडी के दौरान मैंने काफ़ी कुछ ओरिजिनल वर्क किया, मैंने एक चीज कॉइन की जिसका हमें मोकपा, ये वही क्वेश्चन है, मोकपा मीन्स मोर देन वन करेक्ट पॉसिबल आंसर्स। तो ये जो क्वेश्चन है इनके मोर देन वन करेक्ट पॉसिबल आंसर्स होते हैं। एक और क्रिएटिव सवाल मैं पूछ देता हूँ, थोड़ा आप लोग वर्क कीजिएगा अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने को, कि सपोज 5 + - 10 = 10, what is dash 5, but if I ask you - + - is 10, how many answers you? And I tell you you can have more than 10,000 answers, will you believe? ये आपके लिए thought for the day है, आप सोचिए और comment में इसका answer लिखिए कि ये कैसे संभव। फिर एक है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है कि आप उसका जो आप बनाना चाहते हो उसको आप उसका आप एक रनिंग मॉडल बनाए, छोटा मॉडल बनाए, उसको आप करके दिखाएं कि वो क्या बात है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रिएटिविटी की जो प्रोसेस है उसकी 4 स्टेजेस हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि क्रिएटिविटी अ पर्सन कैन बी क्रिएटिव, प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटिव, एंड अ प्रोसेस कैन बी क्रिएटिव, एंड द प्रेस ऑफ द एंटायर एनवायरमेंट भी क्रिएटिव। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक्स हमने देखी जिनसे क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है। तो आप भी कमेंट में लिखिए अगर आपने इनमें से कोई टेक्निक यूज़ की है, या आप चाहते हो कि कोई नई टेक्निक आपको मालूम हो, आप लोगों से शेयर करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ लिखिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और साथ ही हमारे तमाम रील्स आप देखिए, वीडियोज़ देखिए, आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं, और पूरा प्रयास ये है कि गणित के प्रति लोगों का डर दूर हो और उनको एक सोचने समझने का सब्जेक्ट है या एक अच्छा सा उपयोग कर सकते गणित का, ये उनका विकसित दृष्टिकोण विकसित हो। और साथ ही गारंटेड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स सर्विसेज जो है आप अवेल कीजिए किसी के लिए भी जिसका मैथ्स कमज़ोर है या पहले बहुत अच्छे मार्क्स थे अब कम होते जा रहे हैं, ऐसा कोई भी इशू हो तो आप उनको लिख के आइए, उनका मैथमेटिक्स श्योरली इम्प्रूव करके रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।